दोस्तों ये है मल्टी 5 टन का हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, ये देखिए 5000 kg का। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ चेंज किया है। चेंज क्या क्या किया है कि जो फैन खोलने का सिस्टम था हमने इस तरह का इसमें लगा दिया है ताकि जो 24 इंच का फैन है वो भी खुल जाए, 36 इंच का है वो भी खुल जाए और 48 वाला वो भी खुल जाए। तो अब आपको मैं खोल कर भी दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने पहले पहले आपको मैं ये पूरा मशीन दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह का ये 5 टन का मल्टी वाला प्रेस मशीन है जिसमें हाइड्रोलिक है वो नीचे की ओर लगा हुआ है। तो इसमें सीलिंग फैन है वो लग जाएगा, फिर यहाँ से लगाकर हमको क्या करना है इसको इस तरह से लगा देना है। तो मैं यहाँ पर पहले सीलिंग फैन है वो लगा कर दिखाता हूँ, उसके बाद में आपको इसे ओपन करके भी दिखाऊंगा। हाइड्रोलिक मशीन से ही ओपन करके आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में हमको 2 पत्ते भी मिल जाते हैं, ये देखिए बेयरिंग वगैरह निकालने के लिए। तो इससे पहले आपको मैं 36 वाला ही खोल कर दिखाता हूँ, 48 वाला तो आसानी से खुल जाता है। तो चलो मैं आपको 36 का लेता हूँ। इसी तरीके से हमको थोड़ा पीछे की ओर ले लेना है। यहाँ से देखिए खुल रहा है ये, इसको यहाँ से हम घुमाकर खोल लेंगे और ये मुँह है वो बड़ा हो जाएगा। तो अब हमको इस फैन को इस तरह से लगा देना है। इस तरीके से हम इस फैन को पकड़ लेंगे। देखिए दोनों ओर से फैन है वो कवर हो चुका है। ये देखिए इस तरह से घुमाएंगे हम, ये टाइट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसको ऊपर रखना है। तो हम इसको ऊपर रखते हैं, उठाकर हमको इसको उठाकर इसके ऊपर लगाना है। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए इस तरह से ये लग जाएगा, इस तरह से हमको लगाना है और आगे की ओर लगा देना है। और ये जो सेंटर में रखना है ये वाला जो शाफ्ट है ये हमको यहाँ पर सेंटर में रखना है। तो अभी सेंटर में नहीं आया है तो आगे आएगा, तो इस तरह से आगे हमको लगा लेना है। अब हमको क्या करना है, एक शाफ्ट वो पाइप लेना है, पाइप को हमको ऊपर से कनेक्ट करना है। इसी तरीके से हमको शाफ्ट को लगाना है और नीचे वाली जो फैन की शाफ्ट है उसे कनेक्ट कर देना है। तो इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हमको यहाँ पर भी एक लगा देना है, यहाँ पर हमको इस तरह से लगा देना है। देखिए इस तरह से लग जाएगा। अब क्या करना है, हम हाइड्रोलिक को प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे लॉक करना पड़ेगा। हम यहाँ से इसे लॉक कर देंगे, ठीक है। लॉक करने के बाद हमको जो हाइड्रोलिक का पाइप है अब हम इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए हाइड्रोलिक जैसे ही प्रेस हो रहा है, अब ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा। देखिए फैन है किस तरह से ओपन हो रहा है, ये देखिए। हाँ देखिए, ये देखिए फैन है खुल रहा है, ये देखिए ये फैन है वो खुल चुका है, ये देखिए, ये देखिए खुल चुका है। इसी तरीके से आप 48 इंच का जो फैन है वो भी खुल जाएगा, 24 इंच का है वो भी खुल जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। ये देखिए नीचे की ओर आ गया है, इसमें स्प्रिंग की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। और ये मल्टी वाला हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है। अब हम जो सीलिंग फैन खोलने का जो सिस्टम है इसे बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकाल लिया है। अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो भी ध्यान रखिएगा। इसको उतारने के बाद अब हम हमारे को क्या करना है, यहाँ ऐसे इस एडजस्टेबल को नीचे लेना है। तो यहाँ पर हम इस छेद में ले लेंगे, इस छेद में लिया है। अब मान लीजिए आपको बैरिंग वगैरह निकालना है, तो बैरिंग निकालने के लिए आपको बैरिंग पुलर की जरूरत पड़ेगा। तो बैरिंग पुलर है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको मैं लगा कर दिखाने वाला हूँ। तो देखिए बैरिंग पुलर है, इसमें इस तरह से लग जाता है, ये देखिए इस तरह से लग गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर तो सीलिंग फैन टेस्टिंग होता है यहाँ पर, तो ये जो पत्ता है इसमें यहाँ पर बैरिंग पुलर लग जाता है। और ये जो सेंटर नट है इसको हम शाफ्ट पे टिका देते हैं, यहाँ पर शाफ्ट पे टिका देते हैं। शाफ्ट पे टिकाने के बाद क्या होता है, इसका हाइड्रोलिक का प्रेस पड़ता है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो बैरिंग है वो नीचे की ओर निकल जाएगा। तो इस तरह से इसमें बैरिंग पुलर काम करता है। तो ये सीलिंग फैन का बैरिंग है। तो आप सीलिंग फैन का जो बैरिंग है वो कैसे निकालोगे, इसमें बैरिंग पुलर में लग जाएगा ये। ये देखिए इस तरह से हमको लगाना है, इसको इस तरह से हमको लगा लेना है, ये लग गया है। अब हमको क्या करना है, सेंटर को टिकाना है, सेंटर को टिका लेना है, इसको ये टिक गया है। अब हाइड्रोलिक से प्रेस करोगे तो हाइड्रोलिक से भी निकल जाएगा, नट से प्रेस करोगे तो नट से भी निकल जाएगा। तो हाइड्रोलिक से ही प्रेस करके आपको दिखाने वाला हूँ बैरिंग किस तरह से निकलेगा। तो लॉक करते हैं प्रेशर, प्रेशर को लॉक करते हैं और उसके बाद में हमको हाइड्रोलिक को प्रेस करते रहना। देखिए अब बैरिंग है वो धीरे धीरे निकल रहा है, ये देखिए कितनी ईजी निकल गया है। तो इस तरह से यह मल्टी वाला जो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है बहुत अच्छा काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मशीन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप अगर खरीदना चाहते हो तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके आप सीधा हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।